खाना में जो कोडिंग है वो स्लाइटली डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देख रहे हैं सेट लॉक्ड इक्वल टू ये कर दिया है। वहां पे क्या होता है, लॉक्ड जो है ना इसके आगे कोटेड सिंगल कोटेड लगेगा और एन के आगे डबल कोटेड लगेगा, ठीक है। वेयर यूजर आई डी, यूजर आई डी पे सिंगल कोटेड लगेगा, इक्वल टू वन डबल कोटेड लगेगा, तब जाके ये चलेगा। तो यहाँ पे कोटेड का सिर्फ चेंज होता है, सिंगल कोटेड डबल कोटेड कहने का मतलब क्या, ये देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये हो गया आपका सिंगल कोटेड, ऐसे ये हो गया आपका सिंगल कोटेड और ये हो जाएगा डबल कोटेड हना में। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। तो ये माइनर चेंज है, यही परेशान करता है, जो एसक्यूएल पे काम कर रखा है उसको उसमें दिक्कत होती है, और जो उसमें काम कर रखा है उसको एसक्यूएल में दिक्कत होती है, ऐसे चलता है उसमें। हालांकि एसक्यूएल ज्यादा इजी होता है हाना, थोड़ा सा ये कोटेड वाला जो है वो फंसता, बाकी लॉजिक तो सेम ही चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हमने बनाया था, जो हमारा आईडी लॉक हो गया था उसको ओपन करना करने के लिए हमने ये चलाया था। अब रही बात कि कैसे हमने कमांड चलाया, थोड़ा सा मैं आपको सर एक बार स्टार्टिंग से बता दें। हाँ स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे मैंने इसको चलाया, क्यों इसको चलाया कमांड, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो कमांड होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओ यू एस आर, ये क्या होता है, टेबल का नाम होता है। ओ यू एस आर क्या है, यूजर टेबल जो होता है उसका नाम, यही मैंने खोला था अभी आपको दिखाने के लिए। आपने ये किया, यहाँ पे व्यू सिस्टम इंफॉर्मेशन कीजिए, इस पे कर्सर लाइए, देखिए क्या नाम आ रहा है, ओ यू एस आर नेम, यूजर नेम, यूजर कोड आ रहा है ना, ओ यू एस आर, मतलब टेबल का नाम क्या है, ओ यू एस आर है, ये यूजर टेबल है। अब ये लॉक्ड हो गया, मतलब ये यहाँ पे ये देख रहे हैं लॉक्ड, ये हो जाता है लॉक, ठीक है। तो जब सुपर यूजर होगा तो उसका लॉक कोई नहीं खोल सकता, बट अगर अनदर यूजर है तो सुपर लॉक यूजर जो है उसका लॉक ओपन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज दैट आपका कोई लॉजिस्टिक यूजर है, कोई फाइनेंशियल यूजर है, कोई सीआरएम यूजर है, तो यहाँ पे जब उसका 3 बार वो गलत पासवर्ड डालेगा तो यहाँ पे ये चेकआउट रहेगा। आप क्या कीजिए, उस यूजर के या उसमें आईडी पर इसको फॉर्म खोल लीजिए और यहाँ पे लॉक को हटा के अपडेट कर दीजिए। इस लॉक को हटाया, अपडेट कर देंगे तो उसका लॉक ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुपर यूजर है तो आपका लॉक कोई नहीं खोल सकता, आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये कमांड ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कमांड चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओ यू एस आर, ठीक है। वो टेबल का कमांड मैंने चलाया, ये टेबल क्या कमांड चलाने से क्या होता है कि जितना भी हमने अभी तक उसमें टेबल में जा रहा होगा इंफॉर्मेशन वो सारे आएंगे। अच्छा ये बहुत देर से लॉगिन किया हुआ है तो मुझे फिर से इसको लॉगिन करना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो देखिए आ गया ना लॉगिन, अब इसको मैंने कनेक्ट किया, अब ये चलेगा, अभी नहीं चल रहा था, अब ये चलेगा, इसको मैंने बंद कर दिया और नया खोल लेता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया, इसमें लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओ यू एस आर, ये टेबल का नाम है, हमने टेबल का नाम डाल दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ये देखिए ये आ गया, जितने भी यूजर इसमें बने हुए 6 यूजर बने हुए ये। अब ये लॉक होगा तो क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ, ये मैनेजर यूजर मैं अभी यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे आपको दिखेगा लॉक, ये देखिए सुपर यूजर दिखा रहा है वाई, यहाँ पे मतलब ये सुपर यूजर है, ठीक है। अब आते हैं और आगे, चलिए पासवर्ड इंफॉर्मेशन, ये आपका टाइप नल फॉर्म ऑफर लॉक्ड करके एक ऑप्शन आएगा, देखिएगा इसमें ये लॉक दिखा रहा है ना, अभी एन दिखा रहा है, मतलब अभी यूजर लॉक नहीं है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सेफ में 3 बार गलत पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ, फिर लॉक होगा तो फिर मैं ओपन करूंगा इसको। देखिए अब इसको मैंने मैनेजर डाला, मैंने 1 2 3 4 दे रखा है, मैं इस पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। एक बार किया ओके, ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार किया ओके, गलत, तीसरी बार किया ओके, चौथी बार किया, अरे भाई लॉक क्यों नहीं हो रहा, ऐसे तो लॉक हो जाता। मेजर 4567, ठीक है, इंटर वैलिड नेम एंड यूजर पासवर्ड, ठीक है, फिर डाल दिया हूँ 5632। मैंने उसको चेंज कर रखा है, देखिए 1 मिनट, क्या गड़बड़ है कहाँ, नहीं बताता हूँ, पासवर्ड में आ जाइए, ये सब आपको आना चाहिए, यूजर यहीं पे फंसता है, चेंज पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड एडमिन में आइए पहले, पासवर्ड एडमिन।
हमने अभी क्या कर रखा है, लो कर रखा है, सिक्योरिटी लेवल लो कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हाई करते हैं सिक्योरिटी लेवल, ठीक है, तब जाके लॉक होगा। लो वाले में आपका जल्दी लॉक नहीं होगा, ठीक है, ओके किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब इसका गलत पासवर्ड डालते हैं तब लॉक होगा। लो वाले में लो सोचता है गरीब है बंदा, क्या लॉक करेगा, इसके कोई ऐसा वैल्यूबल चीज़ है नहीं जो इसका चला जाएगा, ठीक है। 4567 मैंने डाला। अब देखिए, यूजर इज लॉक, कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेशन, हो गया ना लॉक। अब इसको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए अब क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे और ये देखिए डेटाबेस में, अब शुरू से मैं दिखा रहा हूँ आपको, संजय जी शुरू से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आए, जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डेटाबेस में आ गए। डेटाबेस में आने के बाद डिफरेंट ऐसे दिखेगा आपको, सभी डेटाबेस का थर्ड बैच, अंबिका एनर्जी, ये सब जो मैंने डेटाबेस बना रखे वो दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड बैच को क्लिक करेंगे, इस पर आएंगे, डेटाबेस प्रोग्रामेबिलिटी पे आ जाएंगे, इस पर नहीं, मैंने प्रोग्रामेबिलिटी, ये जो है ये प्रोग्रामेबिलिटी पे आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के आप लिख लीजिए न्यू क्यूरी, ठीक है। न्यू क्यूरी कौन सा क्यूरी भाई, वही जो अभी हमने लिखा था, सेलेक्ट ओ यू एस आर, ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। अब देखिए, जहाँ पे लॉक में एन आ रहा था, अब क्या आएगा, वहाँ पे वाई आएगा, क्यों, क्योंकि मैनेजर आईडी ऑलरेडी लॉक हो चुका है। अब देखिए, सुपर यूजर आया, उसके बाद आपका ये फील्ड है, ईमेल है, ऑफिस है, ये आपका, ये देखिए फर्स्ट पे आ रहा है ना वाई, ये लॉक टू दिख रहा है संजय जी, यस ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कमांड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या करना है हमें, इसको अपडेट करना है, ये जो लॉक टू जो है इसको हमें अपडेट करना है, किसमें, एन में लॉक अपडेट करना है, वाई जो है उसको एन करना है। तो हम यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, अपडेट, अपडेट, ठीक है, कौन सा टेबल है, ओ यू एस आर, हमने टेबल का नाम लिख दिया कि अपडेट कर दो ओ यू एस आर, ठीक है। सेट माने किसको अपडेट करना है, सेट किसको करना है, लॉक्ड, जो लॉक्ड वैल्यू एल ओ सी के ई डी, लॉक्ड इक्वल टू, ठीक है, अब हम सिंगल कोटेड लगा देंगे एन, कैपिटल एन, ठीक है, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे कंडीशन है, अब यहाँ पे देखिए ओ यू एस आर में बोल रहा है लॉक्ड को एन कर दो, मतलब सारा एन कर देगा, यहाँ से यहाँ तक सारे एन कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन देना होगा किसको एन करना है। अभी एक ही ये वन वाला है, इसके लिए हमने कंडीशन डाल दिया कि जो यूजर आईडी जिसका वन है उसको तुम सिर्फ वन करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, वेयर क्या लिखेंगे कि यूजर आईडी, यूजर आईडी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू वन, ठीक है, और इसमें आप सेमीकोलन लगा दिए। अब इस कमांड को चलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉक जो है वो खत्म हो, देखिए ये हो गया वन रो इफेक्टिव, मतलब जो हमने लॉक जो लगा था वो हमारा लॉक खत्म। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखेंगे वो जो लॉक लगा हुआ था, जो एन था, जो आपका वाई हो रखा था, अब वो एन हो गया होगा। अब आते हैं जरा से देखते हैं, ये देखिए ये लॉक खत्म हो गया, एन हो गया, इसका मतलब हमारा अब ये जो लॉक जो हो रखा था वो अब आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए और फिर से आप लॉग इन कर लीजिए, यहाँ पे है ना, ठीक है, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3 4, उसको किया, उसके बाद ओके किया, ये आपका लॉग इन हो गया। अच्छा सर, जो एसक्यूएल में जो ये हमारे जो एसक्यूएल ओपन होगा तो सुपर यूजर का पासवर्ड ऐसे ओपन होगा, ये क्या एसक्यूएल ओपन होगा, तो जो एसक्यूएल जो सर ये जो अभी जो हमने ओपन किया है ये हमारा सुपर यूजर से ही ओपन होगा, सुपर यूजर का जो पासवर्ड होता है। खान साहब आपकी आवाज ज्यादा गूंज रही है, क्लियर तो आसान हो गया। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा सर, जो सुपर यूजर का पासवर्ड होता है, सुपर यूजर होता है ना सर, हाँ हाँ, तो एसक्यूएल जो अगर हम खुद से एसक्यूएल जो हम ओपन करेंगे स्टूडियो तो ये जो सुपर यूजर के पासवर्ड से ओपन होगा सर? ना 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 ना, इसका एसक्यूएल का आपका सर्वर का आईडी पासवर्ड अलग ही होता है, वो आपको क्रेडेंशियल, हाँ अलग से ही क्रेडेंशियल आपको शेयर करता है जो आपके बना रखा होगा ना, अगर आपने सिस्टम इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपने पासवर्ड खुद से बना रखा होगा आप अपना, कि उसका सर्वर का आईडी और आप यूजर आईडी पासवर्ड बना रखे होंगे,
तो हम लोग जैसे अभी आप देख रहे थे हमारा यूजर आईडी ऐसे था और पासवर्ड हमने अपना बना रखा है, ये हमारे सिस्टम में। जैसे मैं अभी आउट करूँ सबके अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड होंगे। अगर अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं जैसे कि आपके ईस्ट इंडिया में है तो उस सर्वर के लिए एसक्यूएल जो इंस्टॉल किया है एक पर्टिकुलर आईडी और पासवर्ड दे रखा होगा, उसी से लॉगिन होगा, हर किसी से नहीं हो जाएगा। सुपर यूजर तो उसके लिए है, सबके लिए, एसक्यूएल के लिए कोई सुपर यूजर नहीं है, सभी सुपर यूजर है। ठीक है, ठीक है सर, चलें अब आगे। क्लियर हो गया? ओके सर, क्लियर। इंपोर्ट सर एक क्वेरी, हाँ बताइए सर। सर अभी तो हमने इसको अनलॉक किया है, क्या हम इसको रिसेट भी कर सकते हैं पासवर्ड? हाँ पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, क्यों नहीं। आप यहाँ पे आइए, पासवर्ड में जाइए, ये आप पासवर्ड में जाके अपना पासवर्ड रिसेट कर लीजिए, क्यों नहीं कर सकते सर। SQL के थ्रू, फॉर एग्जांपल हम पासवर्ड भूल गए हैं। नहीं नहीं नहीं, SQL के थ्रू आप पासवर्ड मत कीजिए, क्योंकि एक भी करेक्टर गलत चला गया उसमें चला गया ना, आपने देखा नहीं तो फिर वो गड़बड़। बैकएंड से कभी पासवर्ड नहीं चेंज करना चाहिए, कोई भी चीजें बोल रहा हूँ, बैकएंड से पासवर्ड होना चाहिए, आइटम मास्टर के कोई भी चीजें होना चाहिए। वो जो बैकएंड से कमांड चला के कोई भी ट्रांजेक्शन पे काम नहीं करनी है आपको। नहीं, बैकएंड से कर सकते हैं, बैकएंड से सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने एक बार कर लिया ना, कहीं भी अगर वो फंस गया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आके आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए, जो भी करना है आपको। ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर, ठीक है सर। चले अब हम लोग चलते हैं। हम लोग बना रहे थे अमित जी, टेक्स्ट कोड बना रहे थे, हमने एट्रीब्यूट बना लिया था। ठीक है, हम फाइल आ जाते हैं। हाँ बताइए, बोलिए। सेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर हम लोग ये क्वेश्चन क्वेश्चन में ही रह जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, नहीं सुनाई दी आपकी आवाज़ें, कट गई। देखिए हमने ये SGST वाला एट्रीब्यूट कल अमित जी ने बना दिया था, उसके बाद शायद कुछ वीर ने भी बनाए थे, वीर बनाए थे या नहीं बनाए थे, ये CGST का एट्रीब्यूट था। जी सर बनाए थे थोड़ा सा, और लेकिन ये GST वाला ने उसके पहले कर दिया। ये IGST का एट्रीब्यूट बना था, ठीक है, ये एट्रीब्यूट बन गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका टेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें टेक्स को नीचे होगा, टेक्स कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए टेक्स फार्मूला। अब हमें क्या करना है, इसकी फार्मूला बनाना है। फार्मूला किसके बनेंगे, फार्मूला बनेंगे हमारे IGST के बनेंगे, CGST के बनेंगे और SGST के बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे IGST, यहाँ पे लिख दिया IGST। ठीक है, उसके बाद नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं IGST। ठीक है, टेक्स्ट टाइप कौन सा है, सिस IGST, तो ये ले लिया। अब यहाँ पे टेक्स अमाउंट, बेस अमाउंट, ठीक है। आ जाओ वीर, बता रखा है ना ये कैसे करना है, कनेक्ट करो डेस्कटॉप, 3-4 डालोगे अपने आप। जी सर, जी जी, एक बेस अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है, एंड इंटर करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू बेस अमाउंट इनटू रेट, बेस अमाउंट इनटू रेट। हाँ, तो ये हो गया आपका बेस अमाउंट इनटू रेट। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया वीर। अब आगे तुम बनाओ, अब बना लो तुम SGST CGST का बनाओ। उसी कॉपी पेस्ट करते रहो। टेक्स्ट टाइप सिस SGST, ये सिस SGST। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं भाई। हाँ अब आ जाओ यहाँ, हाँ अब टोटल पे उठाओ, वहाँ पे क्लिक करो, वहीं पे क्लिक करो। हाँ हाँ वहीं करो, टैब बटन दबाओ, टैब एक बार और टैब दबाओ, ये आ गया। टोटल को सिलेक्ट करो, टोटल क्लिक करो उस पर, टोटल पे हो गया। ओके करो, आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला पे आ जाओ, इधर आएंगे, क्लिक करो उस पर। हाँ
हाँ अब क्या लिखना है तो ना, उल्टा चल रहे हो अभी, इसीलिए तो बोला बनाओगे तो बेस अमाउंट, पहले बेस ठीक अमाउंट, है बेस। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है भैया, यहाँ पे क्लिक करो, दो बार हाँ क्लिक करो यहाँ पे, नहीं यहाँ यहाँ, अच्छा हाँ ठीक राइट में, दो बार क्लिक करो जल्दी जल्दी। हाँ आ गया ना, हाँ इक्वल टू, जी। हाँ इक्वल टू क्या आएगा, टोटल तो टोटल अमाउंट, अमाउंट हाँ तो यहाँ पे क्लिक करो, इंटर। अब इंटर क्या आएगा, टैक्स टैक्स अमाउंट अमाउंट पे क्लिक करो, टैक्स अमाउंट ऊपर 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 सबसे ऊपर, हाँ गुड, टैक्स इक्वल अमाउंट टू, हाँ इक्वल टू अब, बेस अमाउंट बेस अमाउंट हाँ बेस अमाउंट इनटू, इनटू हाँ स्टार इनटू रेट रेट लगाओ, रेट अमित जी ने बनाया था पिछली बार, उन्होंने पूरा बनाया था, हाँ ऐड करो, ठीक है। ऐड कर दो, सिमिलरली सीजीएसटी का बना लो, PGST टोटल टोटल भैया, टोटल पे क्लिक करो, हाँ टोटल पे ओके, ठीक है ओके। अब आया ना, अब लगाओ फॉर्मूला, अब अब कहाँ क्लिक करोगे, बॉक्स में बेस पहले बेस अमाउंट पे बे नहीं व्हाइट बॉक्स बॉक्स पे, या पहले पहले। हाँ व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करो ना, अमित जी बता तो रहे हैं, राइट नहीं हैंड नहीं साइड हाँ राइट हैंड साइड। अब, हाँ हाँ ठीक है तो ये हाँ ठीक है, टोटल बेस अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, टोटल फिर इंटर इंटर इंटर, उसके बाद टैक्स अमाउंट टैक्स अमाउंट इज इक्वल इक्वल टू बेस अमाउंट राइट इनटू राइट, रेट ऐड करो, ऐड। तो ये बन गए फार्मूला, ठीक है, अब क्या बनाना है अपने जी को, तो फर्स्ट टेक्स्ट स्टेप, कॉम्बिनेशन अब हाँ अब फर्स्ट स्टेप क्या था, एट्रीब्यूट, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, फार्मूला, थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, टेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो ढूंढो इसमें टेक्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, यहाँ है ना टेक्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ है ना ये, अब इसमें बनाओ जी टेक्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, पहले आईजीएसटी का बनाओ, नीचे वही डालो आईजीएसटी टाइप में, उठाओ टेक्स्ट टाइप में, कौन सा होगा टेक्स्ट टाइप ये, हाँ सिर्फ IGST हाँ जी ठीक है, अब उसमें फार्मूला कोड, अभी अभी इधर फार्मूला तो बनाए हो कुछ, उसको तो सिलेक्ट करो हाँ ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, बिना फॉर्मूला का काम करेगा आईजीएसटी, IGST हाँ जी ना इसको ना, सेलेक्ट करना हाँ हाँ चूज करो, ये हो गया, अब एड कर दो इसको, हो गया, अब बनाओगे तुम, अब दूसरा कोड क्या बनेगा, SGST एसजीएसटी, हाँ एसजीएसटी, ये कॉम्बिनेशन चला, प्लस सीजीएसटी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, एसजीएसटी, अब देखो एसजीएसटी नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, सीएसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जी में हम डालेंगे कि एसजीएसटी, ठीक है, एंड प्लस क्या हो गया हमारा, सीजीएसटी, जी सॉरी सीजीएसटी, CGST ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ये, अब यहाँ पे आओ, जी यहाँ पे सेलेक्ट करो एसजीएसटी, पहले सी से एसजीएसटी लो, SGST, इस हाँ ठीक SGST है, फार्मूला उठाओ उसका कोड, SGST वाला, SGST वाला ना हाँ, तो नीचे में फिर CGST भी लो, क्योंकि दोनों प्लस में चलेगा,
सीजीएसटी ठीक हाँ कोड उठाओ इसका। वेट कर दो। है ऐड जी हो गया, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बने हैं। ठीक अब हमें क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट कोड बनाना है। ठीक है, तो टेक्स्ट कोड जी बनाने के लिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कोड। तो सबसे पहला टेक्स्ट कोड बनाओ IGST 5% का, लिखो कोड इसमें एट द रेट 5% अब इसी तरह डिस्क्रिप्शन में यही चीज लिख दो। ठीक है, टेक्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन उठाओ, टेक्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन है उसमें सेव करो। कौन सा चलेगा इसमें, IGST वाला ना, सेलेक्ट हाँ करो। ठीक ठीक है ठीक है, अब इसमें सेलेक्ट करो कोड, 5% का उठा लो इसमें। ये हाँ चूज करो, आ गया। अब जी एक मिनट एक मिनट, इस पे फ्रेट पे भी लगता है चेक, तो यहाँ पे चेकआउट करोगे तो फ्रेट स्क्रीन पे आएगा, नहीं करोगे तो ये 5% वाला दिखाएगा। इसीलिए सभी टेक्स्ट कोड में हमें ये फ्रेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐड ठीक कर है देंगे। क्या बोल रहा, एंटर वैलिड कोड। अच्छा ये परसेंटेज लगा दिए हो ना, इसलिए तो परसेंटेज अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब ऐड कर यहाँ दो, हटाते हैं हो गया 5% बन गया। अब इसी तरह से बनाओ 10%, सॉरी 12% बनाओ, 18% और 28। हुआ सर वो कि बैक हाँ हो बन गया बन अच्छा गया बन गया बन गया बन गया भाई, ये दिखाऊं क्या? रुक जा रुक जा, देख लो, देखोगे तो कॉन्फिडेंस जग जाएगा। देख लो पहले, ये देखो यही बनाए थे ना। ठीक हाँ ठीक है खाली परसेंटेज हटाने मात्र से हाँ, हो गया अब ठीक कंट्रोल है ए करो, कंट्रोल ए करो। ये अब बनाओ 12, 18, 28, कोई अब नहीं बताएगा तुम्हें। आईजीएसटी IGST आईजीएसटी का, रहेगा IGST ही हाँ। 12 अमित जी जहाँ गलत होगा आप बताइएगा। ठीक है सर रेट पे टिक कर दीजिए पहले बाकी किसी लोगों को कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, बाप क्या दिक्कत। ठीक है सर ठीक है अट्ठाईस आएगा ना ऊपर ठीक अच्छा ठीक है IGST हो गया CGST, CSGST वाला बनाओ आपका। CSG CSG 6, 12, ये 5%, छः CS परसेंट सॉरी हाँ 5% के लिए बनेगा, 2.5 सॉरी नहीं, 5%, 12%, 18%, 28%, अब दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा इसमें। डिस्क्रिप्शन में क्या डलाएगा? अच्छा ना 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 वीर, अमित जी बताइए ढका वो क्या। ऐड करना है ठीक है ब्रैकेट लगाओ पहले, पहले CGST ब्रैकेट लगाओ, पहले ब्रैकेट लगाओ, शुरू में ब्रैकेट लगा दो। हाँ स्टार्टिंग में बस ना, गलत हो रहा है ये। अंदर ही देखो कर इसमें बताइए अमित जी क्या करें।
यहाँ पे एट द रेट 2.5% चलेगा तुम्हारा एसजीएसटी, छोड़ देना अभी, 2.5 चलेगा तुम्हारा एसजीएसटी, ठीक है, सॉरी सीजीएसटी, और 2.5 चलेगा एसजीएसटी। तो सीजीएसटी तुमने ले रखा है तो ये हो जाएगा 2.5%, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा, ये है एसजीएसटी, एस लगा दिया हमने, एसजीएसटी ये हो जाएगा एट द रेट कितना, 5%, एट द रेट 2.5। अब जाके पूरेगा ना 5%, तो जब हम कॉम्बिनेशन वाला लगाते हैं तो हाफ जाता है सेंट्रल को, हाफ जाता है स्टेट को, ठीक है। तो अब हम स्टेट को चेकआउट करेंगे, कॉम्बिनेशन में उठा लो कॉम्बिनेशन वाला ये, अब यहाँ पे देखो दोनों आ गया ना, अब एट्रीब्यूट सिलेक्ट करो, अमित जी आप भी भूल गए क्या, ये किया था और यहाँ पर भी, हाँ नीचे में सीजीएसटी वाला, सीजीएसटी नहीं, उस पे क्लिक करो, सीजीएसटी खुलेगा, सीजीएसटी ठीक है, अब उसी तरह से बनाओ, अब 5% बना तो क्या बनेगा, 12% के लिए बनाओ फिर कॉम्बिनेशन, ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन उठा लो, सिक्स परसेंट ठीक है, अब 12 के बाद 18 99 का कॉम्बिनेशन जाएगा, 9 एसजीएसटी 9 सीजीएसटी, इसके बाद 18 के बाद 28 जी, 28 14 राइट, ये हो गया अब सर, हो गया जी, अरे सारे बन गए,
हेलो। हाँ सारे बन गए हैं। हाँ 28% तक हो गया सी अच्छा चलो जी अच्छा एस टी। अब देखो तो हमारे टैक्स कोड बन गए हैं, IGST बन गए हैं और CGST SGST बन गए हैं। इतना से हमारा काम चल जाएगा, और भी बनते हैं TCS के कोड वगैरह, सब बाद में बताएंगे। अब आते हैं हम लोग क्या आइटम मास्टर पे आते हैं। ये हमारा आइटम मास्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये बना हुआ, ठीक है। अब हमने आइटम चढ़ा दिए थे, चैप्टर आईडी भी चढ़ा दिया था, ठीक है, टेक्स्ट कोड भी बन गया, ये देखिए सबका आ रहा है इसमें, ठीक है, हमने आइटम के सबके डाल रखे हैं। अब क्या करना है, जब टेक्स्ट कोड बन गया तो अब आप बिजनेस पार्टनर पे आ जाइए, क्योंकि आइटम का काम आपका, जो ट्रांजेक्शन के लिए क्या चाहिए था आपको, आइटम चाहिए थे, आपने आइटम बना दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए था, चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। अब आपको क्या करना है, बीपी कोड बनाना है, सॉरी टैक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम टैक्स बना रहे हैं, तो अब हम चलते हैं टैक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। यही तो लास्ट सेशन में था जो हम लोग इसके लिए बना रहे थे। तो टैक्स कोड डिटर्मिनेशन, टैक्स कोड डिटर्मिनेशन क्यों करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि क्यों कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन करने का मतलब क्या है, क्या क्या इसकी क्यों कर रहे हैं। तो इसको करने से जब भी आप आइटम सिलेक्ट करेंगे किसी भी, चाहे वो सेल्स ऑर्डर हो, चाहे परचेज ऑर्डर हो, चाहे आप डिलीवरी बनाए, चाहे MRN बनाए, चाहे AR इनवॉइस बनाए, चाहे आप परचेज का AP इनवॉइस बनाए, आप जब आइटम सिलेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम क्या करेगा कि उस आइटम के साथ अगर हमने टैक्स मैप कर रखा है कि वो आइटम 12% का, 18% का, 28% का है या 5% का है, तो सिस्टम क्या करेगा, हिमसेल्फ वो उठा के लाएगा कि अगर हमारा पार्टी जो होगा सेम स्टेट का है, जिस स्टेट में हमारी कंपनी है, तो वो कॉम्बिनेशन लेके आएगा SGST CGST वाला उठा के। यदि वो पार्टी जो होगा हमारे आउट ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि जिस स्टेट में हमारी कंपनी है उससे बाहर का होगा, तो वो क्या लाएगा, IGST उठा के लाएगा। तो अगर हम ये टैक्स डिटर्मिनेशन करेंगे तभी जाके होगा, तो ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वही चीजें हम करने जा रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, फर्स्ट में क्या करना है, हमें सबसे फर्स्ट में उठाना है हमें स्टेट, ब्रांच था या स्टेट का, ब्रांच देन स्टेट, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा जो UDF फील्ड है, कौन सा, वो था आपका UDF, ये है UDF जो टैक्स GST था, आपका टैक्स कोड जो हमने बनाया था GST वाला, वो ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको हमने उठा लिया GST रेट, ठीक है। उसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं, दूसरा हम उठाएंगे ओनली ब्रांच, ठीक है, दूसरा हम ब्रांच एंड ओनली क्या लेंगे, GST रेट, स्टेट नहीं देंगे उसको। अब देखिए मैं ये कैसे कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, इसका क्या रीजन है, वो चीज़ें मैं अभी समझाऊंगा, एक बार मैं इसको उठा लूँ उसके बाद, और कंफर्म कर लूँ कि सही उठ गया या नहीं, देखिए मैंने उठा लिया, इसको अपडेट कर लिया। अब मैं एक बार मैं री वेरीफाई करना चाहता हूँ इसको कि मैं सही बना रहा हूँ और कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गलती भाई किसी से भी हो सकती है, हमें नहीं लग रहा है, हालांकि 99.9% लग रहा है सही है, बट जस्ट एक कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चेक करना चाहता हूँ, ये है। ये देखिए सही हमने बनाया, ब्रांच स्टेट जीएसटी रेट ब्रांच एंड जीएसटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने डेटाबेस पे जो हम बना रहे थे, ये था हमारा डेटाबेस। अब देखिए अब ये बनाने का मोटिव क्या है, फर्स्ट वाला जो है इसमें हम क्या करेंगे, ये आया सबसे पहले आप ब्रांच डिफाइंड कर दीजिए, ब्रांच हमारा कौन सा है, ये थर्ड बैच है, ठीक
ठीक है, तो मैंने इसको शायद बिजनेस वन थर्ड बैक ये ब्रांच को हमने दिया स्टेट कोड। अब स्टेट कोड क्या है वो उठा लीजिए, स्टेट कोड आपका क्या है, मैं यूपी में हूँ तो यूपी होगा, मैंने यहाँ पे स्टेट कोड यूपी उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ये उत्तर प्रदेश हो गया, अब इसके केस में जीएसटी क्या लगेगा, तो पहले आप 0% सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको ऑपरेट कर दीजिए, फर्स्ट हो गया। फिर आप उठाइए ब्रांच, ये हो गया, ठीक है। सेकंड में स्टेट, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए यहाँ से, ऐसे हो जाएगा, पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जाएगा आपका 5% हो जाएगा, आप इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ब्रांच, तो इस तरह से जितने भी टैक्स कोड है 5 हो गया, 12 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सबके लिए हम इसी तरह से कर, ये हो गया। अब इसको बनाने के बाद देखिए ये बनाया क्यों, मैं ये इसको स्टेट में बता रहा हूँ कि जब आपका ब्रांच ये है, जो ब्रांच मेरा यूपी में है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये जीएसटी टैक्स रेट उठाना है 0%। अब इस 0% पे क्या लेके आएगा, तो मैं यहाँ से वैलिडेट करूँगा इसको, जब वैलिडेट करूँगा कब से, 0104 से मैंने इसको वैलिडेट कर दिया, और इसको बताया कि तुम जो टैक्स कोड लेके आओगे कब, इस पे लाओगे तुम कॉम्बिनेशन वाला जो आपका था सी जी एस टी एस जी एस टी, ऐसा इसमें 0% बना नहीं है, तो हमें 0% चाहिए था, तो चलिए एक हम बना लेते हैं 0% का, यहाँ पे बना लेते हैं सी एस जी एस टी, ठीक है, ये है @0, यहाँ पे लिखेंगे हम SGST@0%, ठीक है, एंड प्लस हम कर देंगे CGST@0%, इसको कॉम्बिनेशन ले लेंगे यहाँ पे CGST वाला रेट पे, तो 0% जाएगा नहीं तो, तो आप यहाँ पे 2.5 सॉरी 0% का ये उठाइए, ठीक है, ये 0% का उठा, आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 0% लिया, इसको अपडेट कर। अब देखिए सिस्टम को क्या होगा, जब ये सिस्टम देखेगा कि ये ब्रांच जो हमारा है ये यूपी स्टेट में है, इसने बता दिया कि ये हमारा ब्रांच कहाँ है, यूपी स्टेट में है, ठीक है, और जब ये यूपी स्टेट में है, इस ब्रांच के रेस्पेक्ट में यूपी स्टेट में है, 0% जब जाएगा, ठीक है, तभी ये सी जी एस टी एस जी एस टी लाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये ब्रांच रहेगा, यूपी स्टेट का पार्टी रहेगा, ये स्टेट कोड जब पार्टी के एड्रेस में यूपी लेके आएगा, तब ये सी जी एस टी एस जी एस टी लाएगा, ये सिस्टम सर्च करेगा। सिस्टम कैसे सर्च करेगा, हम जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे ब्रांच सिलेक्ट होगा, और पार्टी जो जो बिजनेस पार्टनर होगा, वो कस्टमर या आपका वेंडर होगा, उसके एड्रेस में हमारा स्टेट कोड आएगा। तो सिस्टम क्या करेगा, इस ब्रांच के एड्रेस स्टेट से इसके जो पार्टी का जो स्टेट है, एड्रेस के स्टेट है, दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों मैच करेगा तो फिर ये लेके आएगा, अगर दोनों मैच नहीं करेगा, डिफरेंट होगा, तब जो अलग जो केस हमने बनाया है वो लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने दूसरा सेलेक्ट किया, इसको पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, जो हमने बनाया है इसको अपडेट कर दिया। अब हम फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर वैलिडेट करेंगे, इस पे क्या करना है, 0104 से हमने वैलिडेट किया, इफेक्टिव कहाँ तक जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है, जाने दीजिए। यहाँ पे हम लेते हैं कितना, 5% लेंगे कॉम्बिनेशन वाला, तो कॉम्बिनेशन वाला सॉरी 5% नहीं, आपका 2.5 चलेगा, कहाँ है 2.5, ये है, हाँ ये है, ये ले लिया हमने, इसको अपडेट कर दिया,
सेम वही कंसेप्ट जो पहले अभी आपको बताया था उसी तरह से कि ब्रांच भी सेम स्टेट में है और पार्टी भी का एड्रेस भी सेम स्टेट में है, और जब उस पे 5% का चलेगा टैक्स रेट, अगर 5% जो हमने आइटम पे रख रखा है उठा के लाएगा तो क्या लाएगा, ये कॉम्बिनेशन उठा के लाएगा, CSGST कोड उठा के लाएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में यहाँ पे आ जाइए, इसमें इसमें अगर देखें तो इसमें भी उसी तरह से हम वैलिडेट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0104, ठीक है, और टैक्स कोड क्या हो जाएगा आपका, टैक्स कोड होगा यहाँ पे 12% वाला, इसको उठा लीजिए, ठीक है, अपडेट कर दिया, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसको वैलिडेट करूंगा 0104, ठीक है, इफेक्टिव अप टू कहाँ तक, ये आपका 18% का है तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप 18% डाल दीजिए, ये 18% हो गया, अब आप 28% वाले पे डाल दीजिए, इस तरह से क्या हो गया, हमारा फर्स्ट के कंडीशन फुलफिल हो गया। जब सेम स्टेट का होगा तो उस तरह से टैक्स रेट लगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, ओनली ब्रांच है और रेट है, ठीक है, तो ब्रांच जब हम लेंगे, यहाँ पे एक ब्रांच हमने उठा लिया ये, ठीक है, अब मैंने इसको बताया कि जीएसटी रेट 0%, ठीक है, वो ले लिया, फिर दूसरा ब्रांच वही सेम है, ठीक है, ये लिया, अब इसको मैंने उठा लिया 5%, ये ले लिया, फिर उसके बाद जितने भी टैक्स रेट है सबको उठाता हूँ मैं, ये थर्ड ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 12%, अपडेट कर दिया, फिर उसके बाद हमने ले लिया 12 का, ये लिया, ठीक है, ब्रांच चेंज किया, यहाँ पे हमने 18% ले लिया, अपडेट कर दिया, फिर उसके बाद 28% ले लिया, उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या कंडीशन है, देखिए ये बोल रहा है कि ब्रांच ब्रांच लेगा, ठीक है, और इस ब्रांच के बेस पे उसको, ये जो आपका ब्रांच है इसमें स्टेट वगैरह डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये स्टेट सर्च नहीं करेगा, इसको सर्च ही नहीं करना है। जब आपका ये केस में जब आपका स्टेट डिफर है, अलग है, तो इसको ब्रांच सिर्फ देखेगा, ब्रांच का एड्रेस देखेगा, ठीक है, और ये टैक्स कोड देखेगा, और उस बेस पे ये ऑटोमेटिकली, कब, जब यूपी स्टेट का नहीं होगा तभी ये यहाँ पे आएगा। अगर सेम स्टेट का है, यूपी स्टेट का है, तब तो वही लगेगा, यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट नहीं उठाया है, मतलब कि अगर सेम स्टेट का है तो वो कंडीशन लगेगा, अगर आउट ऑफ द स्टेट है, उस स्टेट में नहीं है, तब ये कंडीशन चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट लिया ही नहीं है। तो जब सेम स्टेट का है तो यूपी ले लिया, और यूपी के बाहर का जितने भी होगा उसमें हमने स्टेट नहीं लिया है, उस केस में यहाँ पे केस चलेगा, हम सेम उसी तरह से इफेक्टिव कर देंगे 0104 से, एंड टैक्स कोड यहाँ पे क्या ले लेंगे, टैक्स कोड लेंगे हम IGST 0%। संजय जी को समझ में नहीं आया हुआ, इसमें भी 0% नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये ले लेते हैं IGST@0, ये गया IGST@0%, यहाँ पे हमने उठा लिया IGST, ये आ गया, कोड उठा लीजिए 0% का, ठीक है, इसको अपडेट कर दीजिए, यहाँ पे आ गया, ये अपडेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपडेट करेंगे, फिर आगे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, विदाउट वैलिडेट का कोई मतलब नहीं है, ये फिल्टर वैलिडेट नहीं मतलब तब नहीं हमारा, ठीक है, यहाँ पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद अब हमारा 5% आ गया, तो IGST 5% हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये 5% अपडेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको भी अपडेट किया, फिर उसके बाद थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो में ये है, वैलिडेट किया, IGST 12% है, ये ले लिया, ये अपडेट कर दिया,
देन 18 इसको सेलेक्ट किया, वैलिडेट किया, 0104 ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा टैक्स डिटरमिनेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये ब्रांच होगा ठीक है और यूपी स्टेट का नहीं है पार्टी, तो उस केस में क्या करेगा, ये 0% के जगह पर क्या जाएगा, आईजीएसटी 0% उठा के लाएगा। ये ब्रांच है और पार्टी जो है वो आपका यूपी स्टेट का नहीं है, क्योंकि हमने स्टेट नहीं है कॉम्बिनेशन लिया, मतलब उस स्टेट का नहीं होगा, 5% का अगर आइटम है तो आईजीएसटी 5% लेके आएगा ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका सिस्टम काम करेगा। अब आपको मैं थोड़ा सा चेक करा देता हूँ कि कैसे, ये मैंने अपडेट कराया ठीक है, हमारा टैक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है। अब जैसे ही आप सेल्स साइकिल में कोई भी सेल्स ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, सपोज दैट या आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिए, कस्टमर तो हमारे पास है ही नहीं ठीक है, तो मैं आपको चेक कैसे कर रहा हूँ, तो मैं एक डमी बना देता हूँ कस्टमर, क्या बनाऊँ, CD00001 ठीक है, ये बंदे मैं लिख देता हूँ मिस्टर संजय, ये कंपनी का नाम हो गया ठीक है, ये हो गया ठीक है। उसके बाद कस्टमर करेंसी, हम इंडियन है तो इंडियन रखते हैं, कस्टमर ग्रुप है ठीक है, बाकी एड्रेस वगैरह इसका चाहिए तो संजय जी फटाफट एड्रेस बताइए क्या है। कुछ भी डाल दीजिए सर, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा ठीक है, पीओ बॉक्स जी नोएडा, उसके बाद ब्लॉक लॉक रह लीजिए सिटी जी नोएडा नोएडा ठीक है, उसके बाद जीप कोड 201003 कुछ भी डाले, कंट्री स्टेट, स्टेट हो गया आपका यूपी उत्तर प्रदेश ठीक है, कंट्री इंडिया, GSTIN नंबर, इनका GSTIN नंबर 09 ABCD ठीक है, उसके बाद 1245, उसके बाद E1ZF 15 डिजिट का होना चाहिए, ये हो गया। फिर उसके बाद रेगुलर कर दिया, अब इसको हम यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको कर दिया तो बिल टू शिफ्ट टू दोनों एड्रेस सेम ही हो जाएगा ठीक है। अब बिल टू शिफ्ट टू हो गया, पेमेंट टर्म जो रखना है वो डिफाइन कर लीजिए। अब आप आ जाइए कहाँ पे, पेमेंट इसको, ये हाउस बैंक अकाउंट है, ये आपका सैलरी डेटर डोमेस्टिक आ रहा है ठीक है, ये डेटर ये डोमेस्टिक है। अब इसमें टैक्स में जाइए और इसका पैन नंबर डाल दीजिए, तो पैन नंबर और जीएसटी नंबर ऑलमोस्ट अब 09 ABCD लिखा था मैं, तो ये हो जाएगा ABCD ठीक है, 1234 एंड ई डाला था मैंने, तो ये 10 डिजिट का हो गया ठीक है। इसको पैन नंबर 10 डिजिट कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7 8 9 हुआ, कहाँ दौड़ा गया, यहाँ पे डाल देते हैं एक और ठीक है। अब ये अपडेट ले लेगा, तो आपका पैन नंबर भी हो गया, आप इसको ऐड कर दीजिए, बाकी कंफर्म GSTN मस्ट बी 15 अल्फा नंबर, भैया GSTN बराबर हो गया 15 नंबर के होने चाहिए, मैंने बोला वो था 15 होंगे लेकिन कम कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई ऐड कर देते वहां पे, 12 13 14 15 क्या चीज कर रहे हो, ई जब ही वहां पे ऐड किया था नहीं, हां ई है यहां पे, जी ऐड कर देता, अब दोनों में ऐड करने पड़ेंगे, इसमें भी तो जी चाहिए, मुझे जाने नहीं देगा ये, हमारा ठीक है। अब इसको हम अपडेट कर देते हैं, तो हमारा कस्टमर एक कस्टमर तो हमने बना लिया, देखिए कस्टमर आ गया। अब सपोज दर कोई भी आइटम आप इसमें से FG आइटम सेल करने के लिए उठाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए कोई भी FG आइटम, सपोज दर ये लिया मैंने, ये लिया आपने सेलेक्ट किया, चूज किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे
इसको उठा के मिला ऐसा कैसे हो गया, ये थर्ड ब्रांच था, ये था। देखिए इस ब्रांच के लिए हमने टेक्स्ट डिटरमिनेशन किया था ना, अपने आप आ गया ना, वो सिलेक्ट कौन हो रहा था उससे दूसरा वाला जो ब्रांच था वो सिलेक्ट था, इसीलिए नहीं है। देखिए जैसे मैंने ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, सिस्टम ने खुद डिफाइंड कर लिया कि ये है क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश, ये लेके आया कहाँ, जो ये इसका जो ग्रेटर नोएडा का जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश, और ये ब्रांच का तो एड्रेस इसको पता ही है कि भाई यूपी का है, तो दोनों देखा कि भाई यूपी यूपी है, तो यहाँ पे इसने 18% का ये आइटम है ऑलरेडी, यहाँ पे ये सीजी एससी एसजीएसटी उठा के लिया है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जब यूजर आपका आइटम सेलेक्ट करेगा तो कहीं भी आपको टैक्स कोड उसमें मैनुअली नहीं डालना है, ऑटोमेटिकली ये टैक्स कोड आएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपका टैक्स डिटर्मिनेशन का, टैक्स कोड डिटर्मिनेशन का। आप कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए। मल्टीपल स्टेट में ब्रांच है तो उसके क्या, मल्टीपल स्टेट में तो फिर मल्टीपल आपको टैक्स कोड डिटरमिनेशन करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक ब्रांच के लिए किया ना, अभी दूसरा ब्रांच मैंने सेलेक्ट हो गया था बाय डिफॉल्ट, देखा आपने टैक्स कोड नहीं आया था उसके आइटम पे। अभी जो हमने जो संजय जी बनाए, संजय जी के दोनों कोई दो स्टेट में है। हाँ, मैं वही सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर सपोज दैट ये दूसरा स्टेट में ये ले लेता हूँ, आपका ये टैक्स कोड हट जाएगा, यहाँ से हट गया ना। हाँ। क्यों हट गया, क्योंकि इस स्टेट के बेस पे हमने टैक्स कोड डिटरमिनेशन किया नहीं, तो हमें इसके अगर हमारे पास पांच ब्रांच होंगे तो पांच बार सेम केसेस सेम टैक्स डिटरमिनेशन करने पड़ेंगे, जैसे हमने ए फर्स्ट वाले के लिए किया है, समझ रहे हैं अमित जी, तभी जाके सिस्टम उठा के लेके आएगा। अगर आपने टैक्स डिटरमिनेशन नहीं तो फिर मैनुअली आप यहाँ पे आइए सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको टैक्स कोड सारे मिल जाएंगे, जो लगाना है लगाइए, मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब यूजर इतना खर्चा कर रहा है तो फिर वो भाई क्यों मैनुअली करेगा, ऑटो सिस्टम क्यों नहीं लेगा वो, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, आप बताइए और किसी को कोई डाउट। वीर जी आज का तो ठीक है। खान साहब जी सर अभी तो यहाँ ठीक है सर, लेकिन जब हम इसको पूरा करेंगे तभी गौर साहब। चलिए फिर आज का सेशन आइटम में कहाँ सेट करते हैं, आइटम में टैग करते हैं ना, आइटम में ये आइटम है ना, आप आइटम ओपन कीजिए, यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड फील्ड बना रखा है ना, यहाँ पे अपडेट कर रखा है, 18% का ये आइटम है, ठीक है। जी, तो जैसे ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट डिटरमिनेशन हमारा स्टेट डिफाइन करके ला रहा है किस स्टेट का है, और अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट कोड आ जाता है, ये क्या लगेगा, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग कल मिलेंगे, इससे आगे की चीजें देखेंगे, बिजनेस पार्टनर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। हाँ बताइए, ये सर वीडियो इम्पोर्टेंट है सर, ये डाल देना है इसको जरूर देखें, डेली वीडियो डिला रहा है, देख ही नहीं रहे हैं। सबसे शिकायत मेरे को ये है कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सभी के कमेंट आने चाहिए, संजय का कमेंट आए हैं, कई वीर के भी आए हैं, बाकी लोगों के कमेंट तो दिखते ही नहीं है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप हो, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, और ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे हमें, ठीक है। चलिए सर वो वीडियो देखना, हाँ वीर बताइए। पांच मिनट का अगर समय हो तो मेरा वाला थोड़ा सा देख लेते एक बार, नहीं तो अभी, कल अभी, देख अभी, लेंगे। अभी अभी कनेक्ट कर रहे हैं, अभी कल नहीं हो पाया था क्या सोल, नहीं नहीं कल तो वो उस पर चर्चा चलने लगी, कहाँ रहते हैं ये लोग, मैं अभी 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 आप मेरे को नहीं देते, सभी लोग निकल जाते हैं, आप इसी पे रहो और आप मेरे को, आप लोग अब लीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो नमस्ते सर, नमस्ते, बाय, गुड नाइट।